तो रॉयल चैंपियन पे चलते हैं, ठीक है। रॉयल चैंपियन कमांडर ऑफ द रॉयल आर्मी, खैर यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है, मैं पढ़ूंगा नहीं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो जरूर। और यहाँ पे अनलॉक करने का जो कॉस्ट है वो देख सकते हो, लेवल वन का कॉस्ट 1,20,000 डार्क एलेक्जर, डार्क एलेक्जर का ये फर्स्ट ट्रूप है, मूवमेंट स्पीड 24, मतलब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, ठीक है। और अपग्रेड टाइम आप देख सकते हो, पहला अनलॉकिंग का कोई टाइम नहीं है, ठीक है, सीधा मतलब डार्क एलेक्जर हो तो आप उसको अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। और ये हिट पॉइंट 2950 से लेके ये सीधा 3900 तक चलेगा, ठीक है। और लेवल 20 का आई थिंक यहाँ पे कोई स्टैट्स नहीं डाले हैं इन लोगों ने, ठीक है, लेवल 20 का कोई स्टैट्स नहीं डाले इन लोगों ने, ये बहुत ही अजीब बात है। ये घर आई थिंक ब्लैंक है, मतलब 7 दिन 12 घंटा ही रहेगा आई थिंक, ठीक है। और इसका जो रीजनरेशन टाइम ये 31 मिनट से लेके 43 मिनट्स तक चलेगा। और इसका जो डैमेज पर सेकेंड 374 से लेके 530 तक जाएगा, ठीक है। और एबिलिटी लेवल तो खैर आप देख सकते हो कि एबिलिटी आपको 5 लेवल पे अनलॉक होगा, 5 लेवल पे मिलेगा आपको। और कॉस्ट जो है वो 1,20,000 डार्क एलेक्जर से लेके सीधा रुकेगा 2,70,000 में, ठीक है। और 5,000 5,000 करके इंक्रीज होगा लेवल टू लेवल। तो सीकिंग शील्ड एबिलिटी, ठीक है, 1 से 4 लेवल तक ये इंक्रीज होगा। डैमेज डैमेज इंक्रीज होगा 1,260 तक, और ये कंटिन्यू करेगा लेवल 4 एबिलिटी में 1,860 तक। हेल्थ रिकवरी 1,700 से लेके 2,600 तक चलेगा लेवल 4 में, ठीक है। नंबर ऑफ टारगेट्स 4 ही रहेगा, ठीक है। वो जो सीकिंग शील्ड एबिलिटी जो फ्रिस्बी के जैसा फेंकता है जो खैर शील्ड को, वो इफेक्ट 4 को ही टारगेट करेगा, ये इंक्रीज नहीं होगा।